है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर। आज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कबीर जी का एक फेमस सॉन्ग जिसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था। इस सॉन्ग को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया तो इस सॉन्ग को पोएम के फॉर्म में पढ़ा जाने लगा। इस पोएम का नाम है इट इज़ नीडलेस टू आस्क अ सेंट टू द कास्ट ही बिलोंग। इस सॉन्ग में कबीर जी ने यह मैसेज दिया है कि जो गॉड के संत होते हैं वे किसी भी जाति या धर्म के हो सकते हैं और उनसे उनकी कास्ट पूछना यानी जाति पूछना बेवकूफ़ी है क्योंकि वे सभी ईश्वर के ट्रू डिवोटी हैं। ट्रू डिवोटी का मतलब होता है सच्चे भक्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। कबीर के अनुसार सच्चा भक्त वे है जो अपनी पूरी जिंदगी यानी लाइफ भगवान या ईश्वर को खोजने में लगा देते हैं। कबीर संत का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं जैसे कि सभी संत ईश्वर को खोजने में लगे रहते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि संत ही ईश्वर को ढूंढें या पा सकें। जो सच्चे भक्त हैं गॉड के, कबीर उन्हें ये मैसेज देते हैं कि सबका ईश्वर एक है, वे सबके लिए बराबर है, चाहे वे किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वे नाई हो, चाहे वे धोबी हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे वे रंगरेज हो या कसाई हो, कोई भी गॉड को ढूंढ सकता है या पा सकता है, ईश्वर सबके लिए है। रंगरेज हम टायर को कहते हैं और कसाई बुचर को कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे कबीर कहते हैं चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो आखिर में ईश्वर को पा ही लेते हैं अगर वे सच्चा हो तो। कबीर कहते हैं कि सब ईश्वर की नज़रों में बराबर हैं और अंत में वे कहते हैं कि सभी धर्म शांति का ही मैसेज देते हैं। तो इस पोएम की समरी यहीं पर फिनिश होती है। अब इस पोएम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ये पोएम इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसकी आलोचना कर रहा है यानी क्रिटिसाइज कर रहा है और हमें कास्ट का विचार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन है कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।